अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से ERC-721 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है। मैंने पिछली दो वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरह से NFTs हम जनरेट करेंगे मेटा डेटा के साथ, देन हम IPFS सर्वर में किस तरह से उसे अपलोड करेंगे, देन वहाँ से जो हमें CID कोड मिलेगा उसे हम किस तरह से अपनी NFTs में अपडेट करेंगे। अब हमने अपनी NFTs जो हैं वो IPFS सर्वर पे अपलोड कर दी हैं। अब हमने सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, उनसे किस तरह से क्रिएट करना है वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक कोड डाउनलोड करना होगा, द स्ट्राइप कोड, ये वाला कोड। इसकी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आपने सिंपली इसे इस कोड पे जाके डाउनलोड जिप कर लेनी है। डाउनलोड जिप करने के बाद सिंपली आपने इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जैसे कि ये देखें द स्ट्राइप NFT कॉन्टैक्ट मेन, इस तरह से फोल्डर होगा और उसमें कुछ दो फाइल्स होंगी, एक फोल्डर होगा और एक फाइल होगी। इसी तरह से आपने इसे डाउनलोड करके ओपन कर लेना है और देन आपने सिंपली अपने किसी भी क्रोम ब्राउजर पर जाना है, जाके आपने सर्च करना है remix.ide। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, सिंपली इसे कट लीव और आपने सिंपली जाना है और remix.ide, यहाँ पे हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपाइल करेंगे। इसी के थ्रू हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। कुछ ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, कोडिंग वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी वो आपको करनी पड़ेगी। सिंपली आपने अपना remix.id ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपके डिफॉल्ट में कुछ फाइल्स होंगी, आपने सभी उन्हें सिंपली डिलीट कर देना है। देन आपने इस फोल्डर में जो भी फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे अपलोड करनी है। आप सिंपली विजुअल स्टूडियो की तरह यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, आपको सिंपली से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि सिंपली आपने ये फाइल है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रीनेम, इसका नेम कॉपी किया। नेम कॉपी करने के बाद मैंने इसे ब्राउजर पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सिंपली मैं remix.id पे आया और यहाँ पे फाइल क्रिएट की, जो मैंने नेम कॉपी किया था उसे पेस्ट किया, इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पे जो भी कोड्स है इन सभी को मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा और ध्यान से कॉपी करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। सो सिंपली इसे कॉपी एंड गो ओवर देयर एंड सिंपली पेस्ट, आपने इसे सिंपली पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मेरा कोड पेस्ट हो गया, एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट है हमारा एक फोल्डर है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट्स। सो सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, ये फोल्डर है और ये फाइल है। सो यहाँ पे मैं फोल्डर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे नेम देना होगा, मैं सिंपली से कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से नेम दे दूँगा। सो सिंपली एज इट इज मेरा क्रिएट हो गया। अभी बहुत फाइल्स हमें ये ऐसे कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी। सिंपली आप जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में, सो कॉन्ट्रैक्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे 3 फोल्डर्स होंगे। सो इन थ्री फोल्डर्स को आपने सिंपली कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अपलोड करना है, ऐड करना है। सिंपली कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है, फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फोल्डर था XX, उसका नाम दे देना है और इंटर कर देना है। हमारा एक फोल्डर आ गया। देन सिंपली हमें टोकन और यूटिल्स का फोल्डर है, देन अगेन कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है, टोकन फोल्डर क्रिएट कर देना है, देन अगेन कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करके यूटिल्स का फोल्डर क्रिएट कर देना है, यूटिल्स। सो इसी तरह से आपने सारी फाइल्स ऐड कर लेनी है। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अब जैसे कि आप टोकन में जाएंगे, XX में जाएंगे तो XX में एक फाइल है, सिंपली XX पे क्लिक करके फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल का नेम कॉपी पेस्ट करेंगे, उसे ब्राउजर पे ओपन करके कोड सारा पेस्ट कर देंगे। देन अगेन आप टोकन में जाएंगे, टोकन में एक और फोल्डर है, सो सिंपली टोकन पे क्लिक करना, फोल्डर क्रिएट करना। देन फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर 3 फाइल्स हैं। देन आपने ERC टोकन के अंदर जो फोल्डर क्रिएट किया है उस पर क्लिक करके उसके अंदर आपने 3 फाइल्स और एक फोल्डर क्रिएट करना है। देन उसी फोल्डर के अंदर एक 3 फाइल्स और हैं, उसी तरह से आपने 3 फाइल्स क्रिएट करनी है। सो इसे स्टेप बाय स्टेप इजीली ध्यान से सबको कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा समझने में, लेकिन आराम से करिएगा। मैंने आपको एक करके बता दिया, स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, लाइक एक फाइल बना दी, देन एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर 3 फोल्डर बना दिए, XX पे क्लिक किया, फाइल क्रिएट कर दी, सिंपली फाइल पे क्लिक किया, फाइल का जो नेम है वो दिया, इंटर कर दिया और यहाँ पे उसका कोड पेस्ट कर दिया, ये हो गया। देन टोकन में गए, फोल्डर क्रिएट किया, नेम दे दिया उसे, फाइल क्रिएट की, नेम दे दिया,
देखें अभी मैंने फाइल जल्दबाजी में क्रिएट की तो वो उसमें क्रिएट हो रही है फोल्डर में, मुझे टोकन के अंदर फाइल क्रिएट करनी है, टोकन पे क्लिक किया फाइल क्रिएट कर दी सिंपली। इसी तरह से आपने पूरा अपना जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो सिंपली इसी तरह से आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अगर मैं आपको शो करूँ, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो कुछ इस तरह सा शो होगा, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है ठीक है। ये है मेरा यूटिल्स, यूटिल्स के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर दो फाइल्स और यूटिल्स के अंदर थ्री फाइल्स। सो सिंपली मैं द स्ट्राइप NFT पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा डेटा शो कर रहा है। अब हमने ने अपनी NFTs अपलोड करनी, NFTs हमारी पिनाटा पे ऑलरेडी अपलोड है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पिनाटा पे मेरी ऑलरेडी NFTs अपलोड है ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपली मैं एक आपको बता दूँ, हम जो NFTs जो हैं ये मेन नेट पे नहीं अपलोड करने जा रहे। मेन नेट क्या है और टेस्ट नेट क्या है, अगर आप सिंपली जाएँ क्रोम पे और यहाँ पे लिखें OpenSea.io, सही है, ये है OpenSea का मेन सर्वर ठीक है, यहाँ पे बाई और सेलिंग होती है NFTs की, यहाँ पे हम NFT बाई करते हैं सेल करते हैं। और यहाँ पे एक और है OpenSea.testnet, जहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए अपनी NFTs अपलोड करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना कोई बाई कर सकता है ना कोई सेल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हम अपलोड कर, यहाँ पे मैं आपको अपलोड करके बताऊँगा कि किस तरह से NFTs का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है ठीक है। यहाँ पे ना ही कोई बाई कर सकता है ना ही आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए अपलोड करते कर सकते हैं NFT। अभी इसके लिए जो है आपको एक नेटवर्क ऐड करना होगा मेटामास्क वॉलेट में, जैसे कि मैं सिंपली, ये देखिए मेरे मेटामास्क वॉलेट का शोर है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे मुझे एक सर्वर शो करे जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ मैटिक मुंबई, आपके डिफ़ॉल्ट में इथेरियम मेन नेट होगा ठीक है, कुछ इस तरह से आपका डिफ़ॉल्ट में इस तरह से होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये मुंबई मैटिक वाला सर्वर नेटवर्क शो नहीं हो रहा होगा, तो आपने इसे ऐड करना होगा और ऐड करने के लिए सिंपली ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स देनी होंगी, नेटवर्क नेम, तो ये देने के लिए मैंने इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ये देखें मुंबई टेस्ट नेट नेटवर्क, आपने सिंपली नेटवर्क नेम, पेरेंट चेन, चेन आईडी, गैस टोकन, ये सब आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना। तो आपने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको बाद में फिर मुश्किल होगी। सो सिंपली मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो URL है इसे मैं पहले कॉपी करता हूँ, गो ओवर देयर एंड पेस्ट इट, और यहाँ से मैं और हटा देता हूँ, और यहाँ से जो बैक स्पेस ऐड हुई है वो हटा देता हूँ, और ये मेरी सिंपली URL ऐड हो चुकी है। और यहाँ पे नेटवर्क नेम में मैं जाऊँगा, नेटवर्क नेम है मेरा मैटिक मुंबई, मैं सिंपली नेटवर्क नेम ऐड करूँगा ठीक है। नेटवर्क नेम पेस, चेन आईडी और करंट सैम्पल, चेन आईडी में मेरा 8001 है, सिंपली मैं इसे ऐड कर दूँगा यहाँ पे, और करंट सैम्पल, सो करंट सैम्पल्स में मे बी गैस पेरेंट, गो डाउन गो डाउन गो डाउन, ब्लॉक एक्सप्लोरर में मैं सिंपली ये वाली लिंक कॉपी करूँगा, लिंक इन न्यू टैब, तो मैं सिंपली यहाँ से इसकी URL को कॉपी करके मे बी वेयर इज़ द URL, ये रही यहाँ पे URL, इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करके सिंपली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ब्लॉक जोड़ के पेस्ट कर दूँगा करंट सैम्पल में, आई थिंक सो ये वाली लिंक मेरी से कॉपी नहीं हुई, मैं इसे अगेन कॉपी करता हूँ, मेरा माउस कुछ इशू कर रहा है जिस वजह से लिंक नहीं कॉपी हो रही मुझसे, वेट आई ट्राई अगेन, प्लीज़ कॉपी हो जा, ओह नो मेरा माउस थोड़ा इशू कर रहा है, कोई नहीं मैं इसे ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे गैस टोकन, नेटवर्क नेम और गैस टोकन ये है ऑप्शन, RPC नेटवर्क फ्री, RPC नेटवर्क नेम। सो सिंपली मुझे याद आया यहाँ पे हमारा मैटिक सैम्पल, हमारा मैटिक है, तो सिंपली मैटिक आ गया, और यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, मैं इसे सिंपली कॉपी डिलीट अगेन पेस्ट, दिस URL इज करंटली यूज बाय मैटिक, ओके मैंने ऑलरेडी अपना सर्वर क्रिएट किया हुआ है ये वाला मैटिक मुंबई, जिसकी वजह से मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा। तो सिंपली आपने अपनी सारी डिटेल्स ऐड करके
डाउन आके यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्वर ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं शो करता हूँ, मैटिक मुंबई पे जाता हूँ तो मेरा ऑलरेडी सर्वर क्रिएटेड है, तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिए मेरा ऑलरेडी ये मुंबई मैटिक पे सर्वर क्रिएट है और मेरे पास कुछ मैटिक्स भी अवेलेबल हैं। ये मैंने किस तरह से लिए हैं ये भी हमें चाहिए। अगर आप जब नेटवर्क ऐड करेंगे तो आपके पास जीरो मैटिक हो गए, सो आपने मैटिक लेने के लिए इस सिंपली यहाँ से अपने लिंक कॉपी करना है, एड्रेस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैंने एक फॉसेट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद सबमिट करेंगे तो हमें कुछ मैटिक्स फ्री में मिल जाएंगे जिसके ज़रिए हम NFTs अपनी मिंट कर पाएंगे टेस्ट नेट पे। नहीं तो अगर आप पॉलीगॉन मेन नेट के थ्रू जाते हैं तो उसके लिए आपको मैटिक्स बाय करने पड़ेंगे, वो मैटिक्स आपको फ्री में नहीं मिल सकते। अगर मुझे वो मैटिक्स मिल जाते तो मैं मे भी आपको वो मेन नेट पे आपको करके बता देता कि किस तरह से मेन सर्वर पे आप अपनी NFTs मिंट कर पाते, लेकिन कोई नहीं, हम इसे टेस्ट नेट पे ही करेंगे। और थोड़ी देर में मैंने मेरे जो है मैट्रिक्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, अभी मेरे 4648 शो हो रहे हैं तो थोड़ी देर में मुझे मैट्रिक्स मिल जाएंगे। तो सिंपली अभी हम इसे क्लोज़ कर देते हैं और अभी आपको ओपन सी टेस्ट नेट और ओपन सी ही मेन सर्वर का भी इस समझ में आ गया कि क्या है इनका मतलब, और मैं इन दोनों को क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमने नेटवर्क ऐड कर लिया है मुंबई नेट जिसके ज़रिए हम अपनी NFTs मिंट करेंगे, और दूसरा ये है अभी हम इसे कंपाइल करेंगे। सिंपली यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट है, यहाँ पे अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं लाइक अपनी प्राइस चेंज करना चाहते हैं और अपनी प्री कॉस्ट चेंज करना चाहते हैं, सप्लाई मेरी 100 है तो मैं 100 कर रहा हूँ और मैक्स मिंट यानी कि मैं एक टाइम पे 50 NFTs मिंट करूँगा। ठीक है, ये मैंने कर दी। ये करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं कंपाइल पे क्लिक करूँगा और मेक श्योर आपका ये वाला कंपाइलर हो 0.8.7। ठीक है, यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा थर्ड ऑप्शन पे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में मेरा ये शो हो रहा है। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और इंजेक्टेड वेब 3 पे क्लिक करूँगा। अब मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे मेरा मेटामास्क वॉलेट का एड्रेस आ रहा है, आपके नहीं आएगा। जब आप इंजेक्टेड वेब 3 पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से मेटामास्क वॉलेट ओपन होगा और वहाँ पे आपसे परमिशन मांगेगा, सो आपने सिंपली कंटिन्यू कर देना है और देन यहाँ पे आपका और मेक श्योर आपका जो मेटामास्क वॉलेट है वो मैटिक मुंबई में हो। जब आप यहाँ पे इंजेक्टेड वेब 3 करेंगे और कंटिन्यू करेंगे देन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कनेक्टेड। यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली अभी रीमैक्स के साथ मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। देन मैं इसे सिंपली क्लोज़ करूँगा। क्लोज़ करने के बाद मैं अब नीचे आऊँगा और यहाँ पे हमें अब IPFS सर्वर के CID की ज़रूरत है। यहाँ पे सिंपली डिप्लॉय की साइट पे एक एरो बनाएं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे स्ट्रिंग में अपनी ID का नेम दे देना है। लाइक स्ट्रिंग में मैं NFTs का नेम दे रहा हूँ द स्क्विरल। ओके, स्क्विरल देने के बाद स्ट्रिंग में यानी कि सैम्पल यहाँ पे मैं TSS कर देता हूँ यानी कि द स्टूडेंट स्क्विरल TSS। और यहाँ पे आप गौर से देखिएगा यहाँ पे ये URL में स्ट्रिंग में आपने फर्स्ट टाइप करना है IPFS डबल डॉट देन /2 देन आपने यहाँ पे जाना है अपनी पिनाटा पे जेसन वाला जो फोल्डर है द स्क्विरल जेसन इसका CID कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली इसी के आगे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद कोड के एंड पे आपने सिंपली 1/ ऐड कर देना है, जस्ट लाइक मैंने जैसे कि ऐड किया स्लैश। इस तरह से ऐड करने के बाद आपने सिंपली इसे अब हम ट्रांजैक्ट करने के लिए रेडी हो। ठीक है, ट्रांजैक्ट करने के बाद अब हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली मैं ट्रांजैक्ट पे क्लिक करूँगा, सो इट्स टेक लिटिल बिट टाइम और यहाँ पे मुझे XX मांग रहा है और कुछ गैस फी देनी पे करनी पड़ेगी और मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, और यहाँ पे गैस फी ऑलवेज चेंज होती रहती है। ठीक है, अगर आप इथीरियम के साथ जा रहे हैं, अगर आप पॉलीगॉन मेननेट पे जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं सबका प्रोसेस सेम है, एज इट इज सेम है। बस इथीरियम में आपको वो तकरीबन $3,000 to $4,000 पे दे के आपको कुछ इथीरियम्स बाय करने होंगे, देन आप अपनी NFTs मिंट कर पाएंगे। और पॉलीगॉन में पॉलीगॉन मेननेट में
ये पॉलीगॉन टेस्ट नेट है। पॉलीगॉन मेन नेट में यानी कि आपको ओपन सी के मेन सर्वर पे अपलोड करने के लिए कुछ मैटिक्स बाय करने होंगे और आपको $50 में 5 मैटिक्स मिल जाएंगे और उससे आपकी NFTs मिंट हो जाएंगी 10,000। सो उसके लिए मैं आप सिंपली इसे करूँगा और ये अब मेरा ट्रांजेक्ट हो चुका है। लिटल बिट टेक टाइम, यहाँ पे कुछ शो होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। सो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मुझे खुद उसने दिखा दिया कि मेरा ट्रांजेक्शन हो चुका है, कंफर्म हो चुका है और यहाँ पे एक ऑप्शन भी शो हो चुका है। लाइक अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें, वेट क्लिक ओवर देयर एंड यू कैन सी नाउ मेरा अब जो है सक्सेसफुली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब पता कैसे चलेगा, सिंपली यहाँ पे जाओ, ये कोड है ना, इसे कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाओ, सर्च करो पॉलीगॉन टेस्टनेट, पॉलीगॉन टेस्टनेट पे हमने किया है और यहाँ पे एक और होता है पॉलीगॉन सर्वर। अगर आप कुछ इसी तरह से सर्च करेंगे, ठीक है, मेक श्योर वो आ जाए, बट मैं आपको यहाँ पे जाता हूँ पॉलीगॉन टेस्टनेट पे, वेट अ मिनट, नहीं इसने शो नहीं किया, वेट आई जस्ट गो देयर, मे बी आई ओपन देयर, यस ये देखें, ये यहाँ पे ये आपने ओपन करना होगा मुंबई डॉट पॉलीगॉन स्कैन डॉट कॉम। ऐसे ही पॉलीगॉन स्कैन भी है, लाइक मैं अभी सिंपली जाता हूँ यहाँ पे और आपको ओपन करके दिखाता हूँ ताकि कोई इशू ना हो आपको। मैं सिंपली यहाँ पे मुंबई पॉलीगॉन स्कैन टाइप करता हूँ, सो मुझे ये मिल जाएगा और एक मैं सर्च करता हूँ पॉलीगॉन स्कैन। अगर आप इथेरियम या पॉलीगॉन मेन नेट पे NFTs मिंट कर रहे हैं तो आप पॉलीगॉन स्कैन डॉट कॉम पर जाएंगे। थोड़ा सा इशू हो रहा है, नेटवर्क का इशू है, नेट का, वाईफाई का। सो मैं जब तक ये लोड होता है, मैं रीलोड हो गया, जब तक ये ओपन होता है तब तक हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जो हमने यहाँ से ID कॉपी की थी, सिंपली उसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये थी 2 मिनट्स अगो वी कैन क्रिएट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे शो कर रहा है और ये देखें हमारे 0 मैटिक्स हैं। यहाँ पे देखें द टोकन ट्रैकर, द स्क्विरल TSS, मेरे उसका नेम आ गया है, यहाँ पे ये एड्रेस आ गया, यहाँ पे 2 मिनट्स अगो, ठीक है। और अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक करें तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि वेरीफाई एंड पब्लिश। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वेरीफाई एंड पब्लिश का बताऊंगा कि इस तरह से वेरीफाई एंड पब्लिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया है। और सॉरी फॉर डैट, पॉलीगॉन स्कैन जो है वो ओपन नहीं हो रहा, लेकिन वो भी सेम SGTV है, बट उस पे ये है कि आप मेन नेट के थ्रू, मेन नेट पे आपकी NFTs अपलोड होंगी। सो अभी हम अपनी NFTs मिंट करेंगे। मिंट करने के लिए सिंपली रीमिक्स पे आ जाएं। रीमिक्स पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है मिंट का। मैं सिंपली अगर यहाँ पे जाऊँ और मैं मुझे यहाँ पे अपना एड्रेस और कितनी मिनट्स करनी है वो शो करनी होगी, मैं सिंपली मुंबई टेस्ट नेट वाला जो है कनेक्टेड है इसका मैं एड्रेस यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। और ये देखिए मेरे मैटिक्स कुछ बढ़ गए हैं, जो मैंने मैटिक्स बाई किए थे वो मुझे मिले, इसलिए यहाँ पे आपको मैटिक्स बढ़े हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एड्रेस पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं, मेरे पास 100 NFTs हैं, उनमें से मैं 50 NFTs 50 NFTs अपनी मिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है, गैस फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद कुछ ही देर में मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुकी है और यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी। देखिए मेरी ही सक्सेसफुली हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा ओपन सी टेस्ट नेट पे, ठीक है। मैंने ओपन सी टेस्ट नेट पे अपनी NFTs सबमिट की है, तो सिंपली प्लीज़ ओपन हो जाए, मे बी नेटवर्क इशू। सो यहाँ पे ओपन सी टेस्ट नेट पे जाऊंगा, आई क्लोज फ्यू फाइल्स, वेट अटक का काम करता हूँ, फिनिश लीव इट, ओके, सो नाउ इट्स ओपन। सिंपली प्रोफाइल में जाऊंगा और प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा,
मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैंने पहले 70 NFTs मीट कर चुका हूँ, अब 70 में अगर 50 मिलाएं तो देखते हैं कितनी NFTs हमारी ये अभी शो करता है। इट्स टेक फ्यू टाइम, वाईफाई स्लो है सो दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग। सो यहाँ पे मुझे 90 NFTs शो कर रहा है, ठीक है। मेरी कितनी NFTs, 20 NFTs मिंट हुई हैं। क्यों 20 NFTs मिंट हुई हैं? बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस की नहीं की, यहाँ पे मे बी इसकी वजह से हमारी 20 NFTs, यहाँ पे जो ऑप्शन हो रहा है मिंट मैसेज डॉट सेंड, और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी सिर्फ 20 NFTs ही मिंट हुई हैं। मेरी पहले 70 थी, देन अब मेरी 90 NFTs शो कर रहा है। अगर आपको मैं नीचे जाके दिखाऊँ, ये देखें मेरी 20 NFTs, ये देखें 20 NFTs इसने मिंट की हैं। अगर मैं नीचे जाऊँ तो 5-1 यहाँ पे मुझे 70 शो कर रहा है, ये देखें। मैंने पहले 70 NFTs अपलोड की थी तो इसलिए मुझे यहाँ पे 70 शो कर रहा है। देन मैंने अगेन आप वीडियो बनाने के लिए अगेन मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल किया, उसे मैंने उसी वॉलेट के साथ कनेक्ट किया और NFTs को मिंट किया, तो यहाँ पे देखिए मेरा 1 से शुरू हुआ है और ये गया है 20 तक, यानी कि मैंने 20 NFTs मिंट की हैं। वहाँ पे मैंने, आप बोलेंगे कि आपने मिंट में तो 50 लिखा और ट्रांजैक्ट किया, तो 50 नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे हमारा 20 था। यहाँ पे हम जितना करेंगे लाइक 100 NFTs हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे 100 टाइप कर दूँ और इससे अगेन कंपाइल करूँ, कंपाइल करने के बाद अगेन ट्रांजैक्ट में आऊँ और ट्रांजैक्ट में मैं 100 लिखूँ, तो मेरी एक ही टाइम पे 100 NFTs मिंट हो जाएंगी। और अब आप बोलेंगे तो कि यहाँ पे ये शो क्यों नहीं हो रहा, इट्स टेक टाइम, मिनिमम 24 आवर्स इसे लगेंगे। अगर नहीं होता तो सिंपली NFT को ओपन करो और रिफ्रेश मेटा डेटा कर दो, ठीक है, बट इसे टाइम लगेगा इमेजेस शो होने में, क्योंकि एक साथ ही लोड पड़ता है तो जिसकी वजह से टाइम लगता है। और मैंने ऑलरेडी NFTs जब जनरेट की थी तब मेटा डेटा ऐड किया हुआ था, ये वो शो हो रहा है। मैंने एक्चुअली नेम नहीं दिया था, तो मैंने ABCD ऐसे दिया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर्टीज़ में ये ABC बैकग्राउंड A बॉडी G कैप R ये शो हो रहा है। अगर आप नेम देंगे तो आपका नेम शो होगा। अगर डिटेल में जाएं, सो डिटेल्स में यहाँ पे मैं अगर इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पे देखें, मुझे मेरा शो करेगा मेरा ERC-721 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए मेरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल शो कर रहा है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मेरा टोकन ID एवरीथिंग। अभी हमारी हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, किस तरह से हमने मिंट किया वो भी मैंने बता दिया। अब हमारी एक चीज़ बाकी है, वो है वेरीफाई एंड पब्लिश, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई और पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमने इसे तो टेस्ट नेट पे किया है, मेन नेट पे किस तरह करेंगे? मेन नेट इज टू इजी, सेम प्रोसेस। सिंपली जाओ, क्या करना है आपने, सिंपली यहाँ पे जाओ, आपने सारा यहाँ पे अपनी सारी फाइल सेट की, देन आप कंपाइल पे गए, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद सिंपली यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद अगर आप इथेरियम के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट करने से पहले, अगर आप इथेरियम के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने सिंपली अपना मेटामास्क वॉलेट ओपन किया, आपने इथेरियम वाला सर्वर कनेक्ट किया आपके पास, मगर आपके पास इथेरियम होने चाहिए गैस फी पे करने के लिए। मेरे पास इथेरियम नहीं है, यहाँ पे मैटिक शो कर रहा है, थोड़ी देर में लोड हो जाएगा, घबराना मत, ठीक है। बोल ये ना सोचो कि ये इथेरियम में मैटिक क्यों शो कर रहा है, वो कनेक्टेड है, जिसकी वजह से अगर मैं इसे जाऊँ कनेक्ट, बस चाहिए यहाँ पे, लेकिन इथेरियम होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। अगर आप पॉलीगॉन के साथ जाना चाहते हैं तो आपको $50 में 5 मैटिक मिल जाएंगे। सिंपली ऐड नेटवर्क में जाना और पॉलीगॉन मेन नेटवर्क सर्च करना, ठीक है, यहाँ पे जाना पॉलीगॉन, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उसमें भी आप पॉलीगॉन मेन नेटवर्क का सारी डिटेल दी हुई है, वो सारी ऐड करना और मैटिक बाय करना। मैटिक बाय करने के बाद सिंपली यहाँ पे आना, कनेक्ट करना, कनेक्ट करने के बाद कंपाइल, ऐड डिटेल, देन बिल्ड। सो आज की वीडियो में बस यही था। और पिछली वीडियो की अगर मैं आपको बात कर लूँ तो पिछली वीडियोस में कुछ लोगों को एरर फेस आ रहे हैं, जिसमें लोगों की NFTs जनरेट नहीं हो पा रही, NPM इंस्टॉल टाइप कर रहे हैं, NPM रन बिल्ड टाइप कर रहे हैं, NFTs जनरेट्स नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप लोगों ने मे बी node.js आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा।
अगर आपके इंस्टॉल है देन अगेन आप लोग उसे इंस्टॉल करें node.js को, सिंपली गूगल पे जाएं node.js टाइप करें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उसे डाउनलोड करें, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें और देन जब आप उसे ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप पे आपको शो होगा चेंज, रिपेयर और अनइंस्टॉल। ये तीन ऑप्शन इसलिए शो होंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, आपने सिंपली चेंज पे क्लिक करना है और वहाँ पे कुछ ऑप्शन शो होंगे, आपने वहाँ पे सेलेक्ट करना है node.js पैकेज, उसे सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो कुछ आपको कमांड प्रमोट ओपन होगा, वहाँ पे आपको इंटर करना होगा, जो बोले वो करते रहना, जिसके ज़रिए आपकी सारी जो फाइल्स नहीं डाउनलोड, जैसे पाइथन नहीं डाउनलोड होगा, कुछ फाइल्स अगर डिलीट होंगी वो डाउनलोड ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। फिर आप npm i या npm install टाइप करेंगे तो आपकी NFTs जनरेट हो जाएंगी, 100% जनरेट हो जाएंगी। मैंने अगेन अपनी NFTs जनरेट की थी क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में मेरी विंडो उड़ गई थी, लाइक विंडो ख़त्म फिनिश, मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी थी, इसी वजह से मुझे इतना टाइम लगा ये वीडियो बनाने में, क्योंकि मैंने कुछ नए तरीके ट्राई कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा लेके जाऊं। मैं मेन नेट पे ओपन सी के मेन नेट के सर्वर पे अपलोड करना चाह रहा था NFTs, उसी के चक्कर में मैंने अपनी विंडो उड़ा दी, जिसकी वजह से देन जब मैंने अगेन सब कुछ बैकअप किया, अगेन NFT जनरेट की तो मुझे इशू आ रहा था। देन मैंने जब node.js इंस्टॉल किया देन मेरी सारी चीज़ें इंस्टॉल होना शुरू हुई, पाइथन इंस्टॉल हुआ और भी सॉफ्टवेयर जो डिलीट हो चुके थे वो दोबारा से इंस्टॉल हुए, देन अगेन मेरा वो वर्क किया, नहीं तो मुझे भी फेस करना पड़ रहा था जो एरर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता रहे हो कि ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, ये node.js की वजह से आ रहा है। ट्राई करो, उसे इंस्टॉल करो और उसे रन करो और इंशाल्लाह आपकी सारी एरर्स ख़त्म हो जाएंगे। और अब आपको पता चल चुका है किस तरह से NFT जनरेट करनी है, किस तरह से आपने IPFS सर्वर पे अपलोड करना है, देन उसका CID कॉपी करके उसे पेस्ट करना है और अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद किस तरह से आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है और उसे मिंट करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, या प्लीज़ लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत लगी है, एक महीना लग गया इस वीडियो को बनाने में, मैंने पहली वीडियो रिकॉर्ड की वो पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई, देन मेरी विंडो उड़ गई, देन इसे अगेन बनाने में मुझे इतना टाइम लगा, प्लीज़ लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।